टू यू अगेन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। किसी रीजन की वजह से मैं आपको कुछ दिनों से वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। तो आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी दो क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे टॉपिक थे, ठीक है, और एक क्लाइमेट के बारे में बात करी थी। तो आज हम बात करते हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या होता है? किसी भी चीज को, जैसे कोई नई चीज है तो उसके अंदर अपने आप को ढाल लेना, ठीक है, उसके अंदर अपने आप को हैबिचुअल कर लेना, उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि क्लाइमेट के अंदर हम किस तरीके से अपने एडेप्टेशन को चेंज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट एरिया। अब जो भी एरिया है, ठीक है, जैसे ये एरिया है, तो एक एरिया मैंने सपोज ले लिया जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और वहां पर एनिमल्स रहते हैं। अब उनको चेंज करके कह दिया जाए कि आपको एक सर्दी वाले प्लेस पे जाना है जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी रहती है, तो उनको क्या है, एडप्ट अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, हैबिचुअल करना पड़ेगा, उनकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है वो सारी चीज चेंज होंगी, तो इसी को बोलते हैं एडप्टेशन। अगर उनका क्लाइमेट चेंज होगा तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी इफेक्ट आएगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, द एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन एडप्ट देमसेल्व्स सो दैट दे कैन सर्वाइव द वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस। अब जिस भी प्लेस पे जाएंगे उसकी भी अपनी कुछ क्या होगी, वेदर कंडीशंस होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, द फीचर एंड हैबिट्स ऑफ द एनिमल स्टार्ट टू चेंज एज पर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब जो भी उस प्लेस का क्लाइमेट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो हैबिट्स है वो भी क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी, ठीक है। अगर वो सर्दी में रहना पसंद करते हैं तो धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, उनको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा उस एनवायरमेंट के चेंज के साथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोलर रीजन। किसकी बात? पोलर रीजन। अब पोलर रीजन कैसा होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, ज्यादातर पूरे साल क्या होती है, स्नोफॉलिंग रहती है। फर्स्ट बात करते हैं पॉइंट की, इट इज मार्क्ड बाय एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। अब यहां का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पूरे साल क्या रहती है, ठंड रहती है, स्नोफॉल रहती है। इस रीजन की बात करते हैं कि इस रीजन में लोग जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज वेरी कोल्ड फॉर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर। अब पूरे साल तक ये क्या रहता है, सबसे मैक्सिमम कोल्ड पार्ट, ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा क्या रहती है, ठंड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस रीजन सन डज नॉट सेट फॉर 6 months एंड डज नॉट राइज फॉर द रिमेनिंग 6 months। अब होता क्या है, इसके अंदर हम जनरली बात करेंगे तो हमारा एक जो सनराइज और सनसेट का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर हम शाम को देखेंगे तो हमारा सन क्या करता है, सेट मतलब छिपता है, ठीक है, चला जाता है, उसके बाद मून आता है हमारा। अब ऐसी सुबह देखेंगे तो सन क्या होता है, हमारा राइज होता है, तो उसका एक अपना क्या है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। लेकिन पोलर रीजन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, 6 महीने तक हमारा सन क्या है, छिपता नहीं है, और 6 महीने तक हमारा सन निकलता नहीं है, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके का है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द एनिमल फाउंड इन पोलर रीजन्स आर पोलर बियर, पेंगुइन्स। अब जो पोलर रीजन में हमारे को एनिमल्स मिलते हैं ज्यादातर देखने को, वो होते हैं हमारे पोलर बियर हो गए, पेंगुइन्स हो गए, यही सब हमारे को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द टेम्परेचर इन द पोलर रीजन कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। कितना? -37 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा पोलर रीजन है यहां का टेम्परेचर कितना हमारे को देखने को मिल सकता है, लो से लो कितना, -37 डिग्री सेल्सियस। आपको सोच के पता चल रहा होगा कि ये कितना कम टेम्परेचर है, तो हमारे पोलर रीजन का टेम्परेचर ज्यादातर क्या रहता है, -37 डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हो कि यहां पर कितनी ठंड होगी, कितनी बर्फ होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, द पोलर बियर। अब हमने रीजन की बात करी पोलर रीजन, तो अब बात करते हैं उसमें कौन से क्लाइमेट्स, कौन से एनिमल्स हमारे अडॉप्ट कर पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं द पोलर बियर। अब क्या आता है हमारा पोलर बियर के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, द व्हाइट फर ऑफ द पोलर बियर मेक्स इट इजियर फॉर देम टू हाइड इन द स्नो एंड देयरफॉर सेव देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। क्या है? प्रीडेटर्स। अब क्या होता है, जो पोलर बियर के व्हाइट फर, आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा पोलर बियर होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, व्हाइट हेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फर। वो क्या करते हैं, उसको इजी करते हैं अपने आप को सर्दी के अंदर छुपाने के लिए, ठीक है, अपने आप को सर्दी से जो वहां पे विंटर है उससे क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। और एक और काम होता है, सेव देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होता है,
जो उसके दुश्मन वगैरह होते हैं, जो उस पर अटैक करने वाले होते हैं, वो उनसे भी अपने आप को क्या कर पाता है, छुपा पाता है, क्योंकि जो उसके बाल होते हैं वो स्नो में क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं और वो किसी को दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट, इन द सेम वे इट मेक्स इट इजियर फॉर देम टू कैच देयर प्रे। अब इसी तरीके से जो पोलर बियर होता है उसके लिए एक और चीज में आसानी हो जाती है, क्या कि जब वो उसको अपने शिकार को कैच करना होता है, प्रे मींस शिकार, ठीक है, जब भी उसको अपने खाने के लिए किसी को अटैक करना होता है किसी पे, तो वो इजीली अटैक कर पाता है क्योंकि स्नो में क्या होता है, वो हाइड हो जाता है और किसी को दिखाई नहीं देता। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, द पोलर बियर्स हैव टू लेयर्स ऑफ थिक फर ऑन देम सो दैट दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस। अब क्या होता है, उनके पास दो लेयर ऑफ फर, ठीक है, उनके जो फर होते हैं उसके अंदर दो तरीके की लेयर होती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कोल्ड कंडीशंस में भी अपने आप को क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है, उनके ऊपर फर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द पोलर बियर्स मूव स्लोली एंड रेस्ट अ लॉट सो दैट दे कैन डू नॉट ओवरहीटेड बिकॉज ऑफ देयर थिक फर। अब उनके ऊपर जो फर होती है वो क्या उनको गर्म बना के रखती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो पोलर बियर होते हैं वो स्लोली चलते हैं, उसका मेन रीजन यही है, अगर वो ज्यादा तेज चलेंगे या फिर रेस्ट कम करेंगे तो क्या होगा, उनको गर्मी लगेगी, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, दो तरीके की लेयर है, ठीक है, वो ऊपर फर है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कोल्ड कंडीशन में क्या करते हैं, रेस्ट ज्यादा करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ना, रेस्ट अ लॉट सो दैट दे कैन डू नॉट गेट ओवरहीटेड। वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करते हैं ताकि उनको ठंड तो लगती नहीं और ज्यादा ओवरहीटेड ना हो, इसलिए वो ज्यादा रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पोलर बियर ऑफन स्विम ऑन वार्म डेज टू कीप देमसेल्फ कूल। अब जिस दिन कभी गर्म दिन होता है तो उस दिन क्या करते हैं, पोलर बियर क्या करते हैं, स्विम करने चले जाते हैं, ठीक है, आसपास कोई नदी वगैरह होती है तो वहां पे स्विम करने चले जाते हैं। इससे क्या होता है, जो उनके फर है उसमें क्या है, ठंडक उनको मिलती रहती है। नेक्स्ट, द पॉज ऑफ द पोलर बियर आर लार्ज एंड वाइड सो दैट इट कैन स्विम एज वेल एज वॉक इजीली इन द स्नो। पॉज, पॉज मतलब जो उनके पैर होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज एंड वाइड, ठीक है, लार्ज होते हैं और क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, स्विम कर सके और चल सके, किसपे, स्नो पे, क्योंकि आपको पोलर रीजन में पता है कि सारी जगह स्नो ही स्नो होती है, तो स्नो पे अच्छे से चलने के लिए जो उनके पैर होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द पोलर बियर कैन स्विम अंडर वाटर एज वेल एज बिकॉज इट कैन कीप इट नॉस्ट्रिल क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो हमारे पोलर बियर होते हैं वो स्विम कर सकते हैं अंडर वाटर, ठीक है, गहराई में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो जो उनकी नॉस्ट्रिल्स होती हैं वो उनको बंद करके रख सकते हैं एक लंबे समय तक। नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ऑफ पोलर बियर्स मेक्स इट पॉसिबल टू लोकेट इट्स प्रे ड्यूरिंग सच हार्श वेदर। अब कभी कभार क्या होता है, जब हमारा मौसम खराब होता है तो उस टाइम पर भी जो हमारे पोलर बियर्स होते हैं उनके पास ऐसी पावर होती है जिसकी मदद से वो अपने शिकार को ढूंढ पाते हैं, ठीक है, उनकी जो सेंस पावर होती है, ठीक है, स्मेल पावर होती है, वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है, जिसकी मदद से खराब मौसम में भी वो अपने शिकार को ढूंढ पाते हैं। तो आज हमने बात कर ली पोलर रीजन की और पोलर बियर की, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेंगुइन की। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।